नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान की साल 2023 की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के बारे में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने 14 दिन पूरे कर चुकी है, राजेश फिल्म का 15वां दिन। और शुरुआती 15 ही दिनों में ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से ऐतिहासिक कमाई करते हुए साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। और आने वाले दिनों में ये फिल्म साल 2023 की इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती 14 दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 918 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और आज अपने 15वें दिन ये फिल्म मॉर्निंग से काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन भी ये फिल्म एक बार फिर से दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 20 करोड़ की कमाई करने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का शुरुआती 15 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 938 करोड़ का हो जाएगा। और जिस तरीके से ये फिल्म कमाई कर रही है, ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 1200 से 1300 करोड़ तक की भी कमाई कर सकती है। और साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने ओवरसीज से अपने शुरुआती 14 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तो आप सभी को सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।